क्या करूं खुदा, तू ही ये मुझको बता। मैं क्यों रखूंगी भाभी के कमरे में तावीज? मेरी मेरी उनसे क्या दुश्मनी है बताएं? मगर तावीज पर नाम तो तुम्हारा ही लिखा है। सब साजिशें समझ गई हो तुम्हारी, मगर तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम्हारे अब्बा ने निकाह कैंसिल कर दिया। परसों वो मौलवी साहब ने उनको बस सुना। क्या कहा? अब क्या होगा? देखो, मैं किसी भी कीमत पे उसे उस दुनिया में नहीं ला सकती, क्योंकि मैंने अरसिम से शादी करनी है, और अगर ऐसा हो गया ना तो मैं इस दुनिया को आग लगा दूंगी। लेकिन इसको मैं इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। तू कुछ भी कर, लेकिन मुझे बचा लो। कोई मेडिसिन, कुछ भी। दवाइयों से कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा? एक रास्ता है, लेकिन मैं तुम्हें अभी समझा रही हूं, वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा शाज़िर। मैं तुम्हारी दोस्त हूं, मैं तुम्हें समझा रही हूं। एक दफा घर जाओ, आराम से सोचो। मैं बहुत सोच समझ के यहां तक आई हूं। अगर और ज्यादा सोचा ना तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ममता मेरी मोहब्बत पर हावी हो जाए, और ऐसा मैं होने नहीं दूं। तुम्हें पैसे चाहिए ना? मैं तुम्हें पैसे दूंगी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें सारे पैसे दूंगी, लेकिन मेरा ये काम कर दो। शाजिया, मैं इस तरह कुछ नहीं कर सकती। डॉक्टर से बात करनी होगी, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो करो ना बात, तुम उसे समझाओ, उसे बात करो। तुम अभी घर जाओ, ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि एक दो दिन में तुम्हारा अपॉइंटमेंट। किसी को पता तो नहीं चलेगा? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अभी तुम घर जाओ। मनवा माने ना। आ जाओ, आ मेरा शहजादा। अरे को देखो, कहाँ पर आए? ये किसका बच्चा उठा के ले आई हो? आपको नहीं पता, ये सिद्रा का बेटा है। देखिए कितना बड़ा हो गया ना, मैंने भी नहीं पहचाना था इसे। लेकिन ये जब से आया रोए जा रहा है। हाँ। अरे इस तरह से बच्चे चिढ़ जाते हैं। लाओ मुझे दो, मैं चुप करवाती हूँ इसे। लाओ। अरे ऐसे कैसे? अब इसे मैं लेकर आई हूँ तो मैं ही चुप कराऊंगी ना, है ना? मेरे शहजादा, क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए? कैसे चुप होगा ये? क्या चाहिए? ये देखो, ये किसका है? ये खिजर का है। खिजर के लिए लाया है ना? दूसरों के बच्चों से इतना प्यार करती हो, खुद के बच्चे हुए तो कितना प्यार करोगी उनसे? अम्मी कैसी बातें कर रही? अपने बच्चों को तो मैं अपने गले से लगा के रखूंगी। आप बैठे, मैं इसका फीडर बना के लाती हूं। आप खिजर, हम अंदर चल के बैठते। पहले दिन से तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता यहां पर ना हो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा कोई नया रिश्ता ढूंढ लिया।
तुम्हारी शादी कहीं और कराना चाहते हैं, मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। मैं सफाई कर रही थी। क्या मतलब ये टाइम है कोई सफाई करने का? अब चाहे यहां से। क्या हुआ, क्या बात है? आपकी याद आ रही थी इसलिए दौड़ी चली आई। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। तुमने फोन क्यों काट दिया? और वो खुशखबरी? एक बात पूछूं, हाँ पूछो। कुछ नहीं। पूछ लो, मैं तुम्हारी मर्जी का जवाब दे दूंगी। आप नहीं दे पाएंगे। अब वो ही कहेंगी जो सच है और सच मैं सुनना नहीं चाहती। क्योंकि मैं ठान कर आई हूं कि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी और आपके अल्फाज मेरा फैसला बदल देंगे। अब क्या करना चाहती हो? बता नहीं सकती। शाजिया, मेरी तरफ देखो। मैं नजरें नहीं मिला सकती, आपका सामना नहीं कर सकती। जब तुम्हें पता है कि तुम गलत करने जा रही हो, क्यों कर रही हो? एक बात पूछूं? पूछो। मोहब्बत की है आपने कभी? मोहब्बत? हाँ की है ना। शादी के बाद तुम्हारे अब्बा से की है। जब हुमा पैदा हुई तो उससे नहीं,
हुमा तो मेरी पहली औलाद है ना। शादी के बाद जब मुझे पहली बार पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं, मुझे तो हुमा से उसी वक्त मोहब्बत हो गई थी। औरत जब पहली बार दुल्हन बनती है तो उसे लगता है कि जैसे उसे दुनिया मिल गई, लेकिन जब वो पहली बार मां बनती है ना तो उसे लगता है जैसे उसे पूरी कायनात मिल गई है। देखना जब तुम्हें पहली बार पता चलेगा ना कि तुम मां बनने वाली तो तुम अपने सारे दुख दर्द भूल जाओगी, यहां तक के अरसिन को भी भूल जाओगी तुम। देखना। मनवा माने ना। शाजिया, सादिम भाई आए तुम्हारा पूछ रहे हैं। अरसिन को नहीं भूल सकती मैं, अरसिन को नहीं भूल सकती, मेरी दुनिया नहीं पूरी कायनात, पूरी कायनात उससे नहीं भूल सकती। आप जानती हैं कि वो आज क्या बहाना करके आई है? क्या? कि मेरा रिश्ता आ रहा है, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। सालिम पूछेगा ना तो आप उसे कह दीजिएगा कि मैंने मना कर दिया है। ये लड़की मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, ये मुझे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। शाजिया, क्या बात है, बहुत चुप चुप हो तुम। तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? डॉक्टर के पास चले? मेरा मतलब है कि इतनी तबीयत खराब नहीं है कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत हो। मेडिसिन ली है मैंने, ठीक हो जाएगी। Are you sure? तुम्हारी सुनाने से कोई बात हुई है क्या? उसकी अम्मी का फोन आया था, बहुत परेशान थी वो। तुम दोनों का कोई झगड़ा हो गया क्या? जी अम्मी, निकाह कैंसिल कर दिया बगैर बताए, बगैर मुझसे पूछे। कोई तरीका है ये? कैंसिल नहीं, पोस्टपोन। कब तक? कुछ बताया उन्होंने कब तक पोस्टपोन किया है? मैंने सुनैना से कह दिया है, निकाह करेगी तो उसी दिन करेगी, वरना नहीं करेगी। अच्छा, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने सारे फैसले खुद से करोगे, ये कोई बात ही भला? अभी बिल्कुल ठीक कह रही हूं। अगर सारे फैसले खुद करने ही थे तो बड़ों को इन्वॉल्व क्यों किया बीच में? लेके जाते उससे कोर्ट, शादी कर लेते और वापस ले आते। भाई पहले कौन सा हमारे मुताबिक कुछ हो रहा है,
अंकल से जब हमने रिश्ते की बात की तो उन्होंने बज़ाहिर ऊपर ऊपर से जाहिर कर दिया कि वो इस रिश्ते को लेकर खुश। उसके बाद जब तक मेरी जॉब नहीं लगी तब तक उन्होंने इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरी। ये बात मुझे सुनैना ने बाद में बताई। हाँ तो इसमें बुराई क्या है भाई, हर बेटी के बाप का ये हक है कि वो सोच सके कि मेरा होने वाला दामाद बरसर रोजगार है या नहीं। चले मान लिया मैंने कि उनको अपनी बेटी के फ्यूचर की परवाह है, इसीलिए उन्होंने ये निकाह पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया, व्हाटएवर। उनके घर से तावीज निकला तो निकाह पोस्टपोन कैंसिल, हमारे घर से निकलता तो कभी भी रिश्ते की बात ना करते। मैंने उसे बोल दिया ये निकाह होगा तो उसी तारीख पर होगा। अरे यार ये बातें छोड़ दो प्लीज, मुझे सिर्फ ये बता दो कि अब तुम क्या चाहते हो ताकि मैं उनसे उस लिहाज से बात कर सकूं। भाई मेरा और सुनैना का झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। जब मैंने उसे कहा कि निकाह मैं उसी तारीख पर करूंगा वरना नहीं करूंगा, तो उसने मुझे कहा कि उसने मुझसे शादी नहीं करनी। क्या रहने दे मेरे। क्या क्या है इसने? परेशान है, गुस्से में ऐसी बातें कर रहा है, ठीक हो जाएगा। भाभी हैं घर पे? हाँ लेकिन तुम ये पीर बाबा को लाई हूँ साथ, भाभी से मिलवाना है इस वक्त। आ गई है फिर से। कौन आ गई? सोनिया। और कौन? बाबा जी को साथ में लेकर आई है और इस दफा ऐसे आई है जैसे भाभी को मुजरिम साबित करके ही जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अम्मी आप ही बात करें इसे, मैंने कुछ कहा तो बुरा मान जाएगी फिर। क्या तमाशा है? तमाशा लगा हुआ है कोई? कोई तरीका है ये? इस वक्त इस तरह किसी को तुम घर लेकर आई हो? सारे भाई मुझे पता है, मुझे पता है कि आप लोगों को मेरा इस वक्त यहाँ आना पसंद नहीं आया, बट आई एम सॉरी, मुझ पर इल्जाम लगा है और मुझे पूरा हक पहुंचता है कि मैं खुद पे लगे इल्जाम को झूठा साबित कर सकूं। सोनिया ये वो बात उसी वक्त खत्म हो गई थी। नहीं सारिम भाई, वो बात उस वक्त खत्म नहीं हुई थी। अगर वो बात वहीं खत्म हो गई होती तो मुझे इस घर से निकाला नहीं जाता। सोनिया तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हें इस घर से निकाला नहीं गया। तुम्हें जो कहा तुम्हारी बेहतरी के लिए कहा, तुम्हारा शौहर वापस आ गया है, तुम्हें फोन करी जा रहा है और तुम यहां बैठी हुई हो। मैं यहां बिलावजह नहीं बैठी हुई थी सारिम भाई, अगर मैं आपको बता दूं ना कि इस घर में। बस जो काम करने के लिए आई हो ना वो करो और दफा हो जाओ यहां से, जाओ। नहीं नहीं एक सेकंड, मैं सुनना चाहता हूँ क्या चल रहा था सोनिया, क्या चल रहा था बताओ ना। भाई ना ये तो पागल है, इसका दिमाग खराब है, मैं इसे हैंडल कर लूंगी, तुम अपने कमरे में जाओ, जाओ शाबाश। नहीं अम्मी, सारे भाई कहीं नहीं जाएंगे, तुम जाओ अपने घर और बाबा जी को भी लेकर जाओ, समझी? अरे बेटा ये मुनासिब नहीं होगा, एक बुजुर्ग आदमी को इस तरह से दरवाजे से लौटा देना अच्छा नहीं लगता ना। ठीक है फिर आप लोग हैंडल करें ये सिचुएशन, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। सारे तुम तो रुक जाओ बेटा, अगर ये शेर यार के साथ आई होती ना तो खुशी खुशी रुकता, लेकिन जिस काम के लिए आई है उन फजूल चीजों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। और कहाँ है बाबा जी? बाहर है।
बोलो। हेलो, मैंने आपसे एक डीर बाबा का जिक्र किया था ना? हाँ, वो जो तुम्हारे महल में रहता है। हाँ वो ही। क्या हुआ उसे? मेरी नंद आज उसे घर उठा कर ले आई है। मैं क्या करूँ? नहीं 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 बिल्कुल मत मिलना। सही है आमिल, ना भी हो मर्दम शनाज भी हुआ ना, एक मिनट में पता लगा लेगा कि इस घर से मिलने वाले ताबीज तुम ही कराती हो। बीमार पड़ जाओ, कोई बहाना कर दो, मिलना मत उससे। जी शासिया, देखो सोनिया बेवकूफ है यार, वैसे भी उसके बोलने से क्या फर्क पड़ता है, वो इस घर की फर्क थोड़ी है। जो कुछ भी है सारे, लेकिन कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। उस दिन मेरे अरसिंह के कमरे से तावीज निकला, सब बैठकर बात कर रहे थे लेकिन किसी ने भी मुझे वहां बिठाना जरूरी नहीं समझा। उसके बाद सब मिलके बाबा जी के पास गए, वहां से वापस आकर भी किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, और अभी आपके सामने सोनिया किस तरह बात कर रही थी, सबके सामने मुझे मुजरिम करार दे दिया, मैंने सब कुछ किया है। सही कह रही हो। अच्छा नहीं सर, देखो सॉरी नहीं आ रही था, देखो सोनिया ना दान है ना समझ है, वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसकी जबान उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन शाजिया वो दिल की बुरी नहीं है यार, मुझे पता है उसने जो कहा है उससे तुम्हें काफी गम पहुंचा। सच पूछो तो मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ, अगर तुम कहती हो तो मैं उससे बोल देता कि अभी आके तुमसे माफी मांग ले, तुम्हें पीर बाबा से नहीं मिलना, मुझे भी नहीं मिलना, लेकिन अम्मी की बात सही है, पीर बाबा जो भी है सही है गलत है झूठे जो भी है एक बुजुर्ग है, और इस तरह हम अपने एक बुजुर्ग को अपने घर से नहीं भेज सकते। ठीक है, लेकिन सारिम वो हमारे कमरे में नहीं आएंगे, बस। तुम फिक्र नहीं करो, नहीं आएंगे। मैं देखता हूँ। सारिम कमरे में नहीं आना चाहिए। नहीं आएंगे। जी अम्मी। सारिम बेटा वो पीर साहब मिलना चाह रहे थे, वो ये कमरा देखना चाह रहे हैं कि वो जगह क्या है जहाँ से तावीज मिला है। ठीक है, लेकिन ना ही पीर बाबा से मैं मिलूंगा और ना ही शाजिया। बेटा अगर शाजिया मिल लेती तो अच्छा होता ना। हमें शाजिया पीर बाबा से नहीं मिलना चाहते, ना ही वो चाहती है कि पीर बाबा इस कमरे में आए। ठीक है, मना कर देती हूँ उन्हें फिर मैं। कर रहे हैं आप ये? क्या कर रहे हैं आप? तुम पे असर हुआ हुआ उतार रहा हूं। नहीं उतरवाना मुझे कोई असर, ये क्या कर रहे हैं आप? मत करें ये, बस थोड़ा सा और। कह रहा हूं ना आपसे कोई असर, बाबा जी मेहरबानी आपकी, आप जाइए प्लीज। ठीक है चला जाता हूं, तुम इस आग में जलना चाहते हो तो जलते रहो, आग तुम्हें नजर नहीं आएगी मगर ये अंदर ही अंदर से तुम्हें जलाती रहेगी, और उस वक्त तक जलाएगी जब तक तुम अंदर से खाक नहीं हो जाते। क्या हुआ पीर बाबा? पूछें अपने बेटे से। हरसिम क्या क्या हुआ है?
वीर बाबा ऐसे कैसे चले गए? कोई बात हुई है क्या? कुछ कहा है तुमने? वो बगैर बताए मेरे कमरे में आगे प्राइवेसी भी कोई चीज होती है अम्मी, ऐसे थोड़ी होता है। और इसलिए तुमने उन्हें यहां से जाने के लिए कह दिया? अम्मी मैं नहीं मानता इन सब चीजों में, मैं पहले भी आपके कहने पर उनके पास चला गया था, ड्रामे कर रहे थे, आ गया गुस्सा मुझे, भेज दिया मैंने उनको। मुझे बता देना था, अगर झगड़ा करके इसी तरह से उन्हें घर से निकालना था तो मैं दरवाजे से रुखसत कर देती उन्हें। मुझ पे लगा इल्जाम तो वहीं का वहीं रह गया ना, ना भाभी उससे मिली और इस मुस्लिम के बच्चे ने भी उन्हें भगा दिया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें जरूरत क्या थी इस तरह से मुंह उठा के यहाँ पर चले आने की? अपने घर में रहो, किस भाई की शादी हो रही है और किसकी नहीं हो रही इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। अपने घर के मामला देखो जाकर, और किस पे जादू हो गया, किससे तावीज गंडे हो रहे, तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? ये तुम्हारा घर नहीं है अब, अपने घर में रहो, मरो तुम। खुश हो तुम्हारी शादी में भी नहीं आऊंगी। हाँ हाँ मत आना, कौन सा तुमने सारे भाई की शादी पर कोई काम किया था? नहीं भूल सकती मैं, अरसिम को नहीं भूल सकती, मेरी दुनिया नहीं पूरी कायनात, पूरी कायनात। पता नहीं क्या बात थी शासिया के दिल में जो ना बता पा रही थी और ना छुपा पा रही थी। मन बाबा कैसे हो? बस ऐसे ही। अभी भी नाराज हो मुझसे? नहीं नहीं मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए। अरसन क्या हम थोड़ी देर के लिए नहीं भूल सकते हमारा निकाह होने वाला था? ठीक है भूल गया, अब हम एक दूसरे से मोहब्बत भी तो करते थे। बहुत अच्छा कहा तुमने, सुना ना, हम मोहब्बत करते थे। अरसम तुम समझ रहे हो मैं तुम्हें क्या कहना चाह रही हूँ? नहीं समझ रहा मैं, तुम मुझे समझाओ, क्या समझाना चाहती हो? देखो हम अच्छे दोस्त भी तो हैं। मुबारक हो तुमने इस बार थे नहीं लगाया। मैं तुम्हें फोन नहीं करती, तुम भी मुझे कॉल नहीं करते। क्या कहता तुम्हें कॉल करके? मैं यही कि तुमने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है, तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए। ये कहता मैं तुम्हें कॉल करके। हाँ धंस के अलावा कोई दूसरी बात नहीं कर सकते। अगर हमारा निकाह हो गया होता तो हम क्या बात कर रहे होते?
ओह आई एम सो सॉरी, मैं भूल गया कि मैं भूल गया था कि हमारा निकाह होने वाला था। सो सॉरी। तुम मर दो ना, अपने आप को समझ पर निकाल लोगे। लेकिन मैं अपना गुस्सा किस पर निकालूं? किस पर निकालना है तुम्हें गुस्सा? उस पर जिसकी वजह से ये सब कुछ है, यानी भाभी पर। मुझे लगता है मुझे तुम्हें कॉल नहीं करनी चाहिए थी। जब तुम्हारा मूड ठीक होगा हम बात कर लेंगे। भाभी जल्दी से नाश्ता दे दें, देर हो रही है, मीटिंग पे जाना है। ये लो नाश्ता। लेकिन ये शर्ट कैसे पहनी हुई है? और ये जल्दी में, अब आपको पता है ऐसी ही होती है। ऐसे कौन प्रेस करता है, मैं दूसरी करके लाती। नहीं नहीं भाभी ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक नहीं है तभी बोल रही हूँ। और पता है लोग क्या कहेंगे? एक लड़का है, कमाता है, खाता है, लेकिन घर वाले बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। एक शर्ट तक इस तरह नहीं करके देते। भाभी लोगों का क्या है, लोगों का तो काम है बातें करना। अब हम हर किसी का मुंह तो नहीं बंद करवा सकते। बेशक हम किसी का मुंह नहीं बंद करवा सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते ना कि किसी को बात करने का मौका ना मिले। और वो लोग जिनके साथ तुम मीटिंग करते हो, और फिर तुम्हारे बॉस। और एक बात बताऊं, अगर कपड़े अच्छे ना हो ना तो बंदा कभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं रहता। अभी इस्त्री करके लाती हूँ। कह तो ठीक रही है वैसे आप। अभी आई, वही पहन के जाना। इश्क में दिखता खुदा भी शाजिया? ओ, कमरे में है मेरे। तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है वो? मैं वो शर्ट प्रेस कर रही है। तो खुद कर लेनी थी? मैंने की थी पर वो सही नहीं हुई ना, फिर वो मुझे कह दिया होता मैं करके दे देती। नहीं मैं तो कह रहा था, उन्हें ही एतराज हो रहा था, जबरदस्ती चली गई। नाश्ता करो तुम, मैं आती हूँ उसे देखो। क्या पढ़ रही हो तुम? खुदा तू ही ये मुझको बता।